आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि प्रश्न में बोला गया कि निम्न में से कौन सा गोली गोलाकार ठीक है प्रोटीन के विषय में सही कथन है, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चार कथन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये चारों कथन में हमें यहाँ पर चयन करके बताना है कि कौन सा कथन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हमें सही कथन की पहचान करनी है कि कौन सा कथन हमारा सही है। ठीक है, और ये जो हमारा सारा कथन है दोस्तों, ये किसके बारे में बोला गया है, ये जो हमारा है गोलिकाकार प्रोटीन के विषय में हमें यहाँ पर कथन बोला गया है, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम कथन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा कथन पहला है इसे हम देखते हैं। तो कथन फर्स्ट में हमें यहाँ पर जो बोला गया है कि गोलिकाकार प्रोटीन सामान्य जल में विलेय होता है, ये बोला गया है। तो जो हमारा सामान्य जल होता है दोस्तों H2O, इसमें विलेय होता है, ये बोला गया है। तो यह कथन हमें यह कहा है बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पहला कथन हमें जो है इस गोलिकाकार प्रोटीन के बारे में क्या है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। ऑप्शन बी देखते हैं। ठीक है, कथन बी देखते हैं। कथन बी में क्या दिया गया है, कथन बी में बोला गया है कि इन प्रोटीनों में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडली बनाकर गोलीकृत प्राप्त करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें बताया गया है कि ये जो प्रोटीन है इसकी गोलीकार संरचना क्यों होती है, क्योंकि यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की कुंडली बनाकर व्यवस्थित होती है और इसी कारण से इसकी जो आकृति है वो गोलीकृत होती है, ये बोला गया है। तो यह भी कथन हमें यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कथन बी जो है ये भी हमारे क्या है, बिल्कुल सही कथन है। अब अन्य कथन को देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इंसुलिन गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो यह इंसुलिन को गोलिकाकार प्रोटीन बोला गया है, तो यह कथन हमारे यहाँ पर क्या है, गलत है, असत्य है। ठीक है, चौथा बोला गया है कि एम्बोबिलिन गोलिकाकार प्रोटीन का उदाहरण है, तो एम्बोबिलिन को बोला गया है, तो यह भी हमारा कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रश्न के अनुसार सही कथन को पहचानना था, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है और ऑप्शन बी, ये दोनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जो कि हमारे आंसर होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।